हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, जब गोकू उस टाइटन को मार देता है तब वो उस लड़के से प्रॉमिस करता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा। इसके बाद गोकू अपनी शक्तियों से उन सभी टाइटन्स को मारने लगता है। चारों तरफ खून खराबा हो जाता है। गोकू उन टाइटन्स को जब मार रहा होता है तब उसे फील होता है कि ये राक्षस है नहीं बल्कि इन्हें राक्षस बनाया गया है। फिर इसके बाद गोकू उन सभी को मार देता है और गांव वालों से कहता है कि अब कोई टाइटन तुम्हें परेशान नहीं करेगा। सभी लोग गोकू का धन्यवाद करते हैं। इसके बाद गोकू अपने दोस्त से कहता है अब तुम्हें फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब गोकू उनसे पूछता है आखिर ये टाइटन्स यहाँ आए कैसे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। अब गोकू वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद गोकू उड़ रहा होता है। गोकू सोचता है वो सब अजीब थे। तभी एक पोर्टल खुलता है और गोकू उस पोर्टल में घुस जाता है। अब गोकू सोचता है ये मैं कहाँ आ गया। तब गोकू के सामने होता है जरामा और उसके इविल साथी। गोकू उन्हें देख कर हैरान हो जाता है और कहता है आखिर तुम लोग हो कौन और मुझे यहाँ कैसे लेकर आए। फिर गोकू सेबस को देख कर कहता है तुम तो लॉर्ड बीरस के जैसे दिखते हो। और फिर कोसाइटस कहता है लॉर्ड बीरस उसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। फिर गोकू कहता है तुम तो वो हो ना। तब जरामा गोकू पर गुस्सा होता है और कहता है चुप करो बंदर, हम सब इविल गॉड्स हैं और मैं ही तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ क्योंकि मैं कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ। पर जब मुझे पता चला कि एक बंदर यानी कि तुम भी फ्रेंचाइजी ट्रैवल कर रहे हो तो मैं समझ गया कि तुम कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो सकते। अब गोकू कहता है मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तब जरामा बताता है कि तुम अब दुनिया जीतने में हमारी मदद करोगे और हमारे टीम में शामिल होगे। गोकू कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। इसके बाद सीन जाता है विश एंड ब्रोली पर। दोस्तों विश ब्रोली को एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग दे रहा है। विश ब्रोली से कहता है ब्रोली तुम्हारे अंदर जितनी भी ताकत है और जितना भी गुस्सा है वो सब निकाल दो और पूरी ताकत लगा दो। ब्रोली विश से कहता है तुमने तो कहा था कि तुम मेरे गुस्से को कंट्रोल करना सिखाओगे। विश बताता है हाँ मैंने कहा था पर उससे पहले तुम्हें एक डिस्ट्रक्शन बनना पड़ेगा और वो बनने के लिए गुस्से की बहुत ज़रूरत होती है तो तुम अपनी पूरी ताकत लगा दो। इसके बाद ब्रोली भी अपने आप को पूरी तरह से लेजेंड में बदल लेता है। अब विश और ब्रोली फाइट कर रहे हैं। ब्रोली विश पर काफ़ी अटैक करता है बट विश इजिली डॉज कर लेता है। अब विश बार बार बच रहा है। ब्रोली ये देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर ब्रोली फुल पावर यूज करने लगता है बट वो उस पावर को ट्रेनिंग की बजाय प्लैनेट को उड़ाने के लिए यूज करने लगता है। तो गाइस आगे क्या होगा, गोकू जरामा के साथ कैसे डील करेगा और ब्रोली किस तरह से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा, जानेंगे अगले पार्ट में। और आपको पता ही है क्या करना है, आपको 2000 लाइक इसके कंप्लीट करने हैं, इसके बाद ही ये पार्ट आएगा। और लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना और कल मिलते हैं फिर। तब तक के लिए बाय बाय।